मुंशी गांव पहुंच चुके हैं इस टाइम और अब हम लोग गांव में दाखिल हो रहे हैं और सामने हमें दरबार शरीफ नजर आ रहा है और आप मेरी बैक पर देख रहे होंगे साईं शरीफ फकीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार एक्दस का बोर्ड लगा हुआ है। आइए चलते हैं। अब गाँव में दाखिल होंगे तो आपको बड़े प्यारे नज़ारे यहाँ पे नजर आएंगे। बड़ा प्यारा मंजर है, यहाँ पे खेत हैं और बड़ा प्यारा जिसे कहते हैं सही देहाती इलाका है, गांव टाइप इलाका है और बहुत प्यारा खूबसूरत इलाका है। लोग तकरीबन दरबार शरीफ के करीब पहुंच चुके हैं और रात को यहीं पे स्टे करेंगे इंशाल्लाह गांव में ही। और वाकई बड़ा पुरसकून माहौल है, अगर आप मेरे पीछे देखें दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा आपको, और बड़ा प्यारा और बड़ा खूबसूरत माहौल है यहाँ पे इस वक्त। जल्दी शाम हो रही है और बड़ा खूबसूरत मौसम भी बहुत खूबसूरत है और इस टाइम नज़ारा भी यहाँ का बड़ा कमाल है। अब तो दरबार शरीफ पहुँच चुके हैं, सामने दरबार शरीफ है आपके जो कि अंडर कंस्ट्रक्ट है। हुजूर साईं दुर्राक साहब नक्शबंदी खाल चौंती रहमत आपके खलीफा हैं और हम लोग दरबार शरीफ में दाखिल होते हैं। इंशाल्लाह अंदर की भी आपको ज़्यारत करवाते हैं और सात मुल्की का मस्जिद जो ज़ेर तामीर है तो उसकी भी इंशाल्लाह ज़्यारत करवाएंगे, दारु शफकत की भी ज़्यारत करवाएंगे इंशाल्लाह आपको। अगर हम लोग मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हों तो हमारे ये राइट हैंड साइड पे ये मस्जिद है जो कि ज़ेर तामीर है, उसकी भी आपको अंदर से ज़्यारत करवाते हैं। और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे ये दरबार शरीफ है मस्जिद के अंदर जो कि ज़ेर तामीर है। इसमें अंदर आपको दिखाता हूँ, इसका भी नक्शा बहुत खूबसूरत बनाया गया है, इसका ही सहन है, काफ़ी खुला सहन है। सामने वो दरबार शरीफ का सहन है और ये मस्जिद है अंदर, आपको अंदर से भी दिखाते हैं मस्जिद का सहन। ये जी मस्जिद का बरामदा है सारा, और अभी ये भी मस्जिद भी सारी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ज़ेर तामीर है सारी मस्जिद। ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है सारा जिसमें तकरीबन काम जो है मुकम्मल हो चुका है। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग तामीर की गई यहाँ पे। ये मस्जिद के बिल्कुल सामने जो ज़ेर तामीर है, अगर हम लोग दरबार शरीफ के आप मेरे बैक साइड पर देख रहे हैं दरबार शरीफ है, अगर उसके बिल्कुल सामने थोड़ा सा ये नीचे उतरेंगे तो आपको पुरानी मस्जिद नज़र आएगी। ये आप बैक पे देख रहे हैं मेरी बैक पे पुरानी मस्जिद है जहाँ पे पहले नमाज वगैरह का इहतमाम किया जाता था, क्योंकि जो मस्जिद की जगह है दूसरी जो ज़ेर तामीर है वो बाद में तामीर की गई। दरबार शरीफ का अंदरूनी खाता है जिसके बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं मरकज अनवर है, वो हस्ती हैं जो यूरोप से वकालत सीख कर आए और आपने वकालत सीखी थी दुनियादारी उमूर की एक वली कामिल कुतुबुल अख्ताब इमामुल औलिया हुजूर सईदी हुजूर किबला आलम साईं अब्दुर्रज़ाक साहब नक्शबंदी खाल हकीम जद्दी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र कामिल ने नज़र बाकमाल ने आपको दुनियादारी वकालत से निकाल कर आखिरत में अपने मुरीदों की वकालत पर लगा दिया और अल्लाह ताला ने आपकी नज़र कामिल से आपको वो कमाल बख्शा कि आज आप सील गांव में जहाँ पे कहा जाता है कि एक वक्त में बहुत वीराना था वहाँ पर आबादी आना शुरू हो गई है और एक खूबसूरत मज़ार शरीफ भी तामीर है ज़ेर तामीर और यहाँ पे एक ज़ेर तामीर मस्जिद भी है बहुत खूबसूरत नक्शे के साथ। अल्लाह ताला का फजल है आपके ऊपर। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सील गांव में हुजूर साईं अब्दुर्रज़ाक साहब नक्शबंदी खाल की मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हुजूर साईं शरीफ फकीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार एक्दस पे, और जो यहाँ पे इदारा चल रहा है यहाँ पे सारा सिस्टम चल रहा है, मस्जिद है ज़ेर तामीर
यतीम खाना ज़ेर तामीर है, दरबार शरीफ ज़ेर तामीर है, वो उसके मौसम आला हैं मोहम्मद इस्लाम शरीफ रज़ाकी साहब, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। हजूर वकील साहब रहमतुल्लाह अलैह मातली ज़िला बदीन सिंध में इनके जो है ना रकबा वगैरह है सारा उधर के रहने वाले थे। सील गांव एक गांव है वहाँ मातली के पास, असल हम सील गांव के वकील साहब हैं। इंडिया में भी हमारे गांव का नाम जो है ना सील गांव था। तो वकालत पास करने के बाद इधर दीपालपुर शरीफ आए, साईं अब्दुर्रज़ाक साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। आप वकालत पास करने के बाद आए थे, इलेक्शन लड़ना चाहते थे पाकिस्तान की सदारत का। साईं जी मुल्तान दौरे पे गए थे, वहाँ आपने जो है दुआ के लिए अर्ज किया, तो साईं जी ने आपकी तरफ देखा और कहने लगे इन सदारतों में क्या रखा है, हम तेरे को अल्लाह का बंदा बना देते हैं। दोबारा 40 साल तक अपने घर ही नहीं गए। आप रहमतुल्लाह ले फरमाया करते भी वहाँ यूनिवर्सिटी में जब मैं हॉस्टल में रहता था तो मेरे लिए नौकर भुना हुआ मुर्गा लेकर आया करता और मैं पैंट शर्ट पहने पहने सो जाता था। यहाँ साईं जी के मैंने सूखे टुकड़े खाए। तो 20 साल तक आप जो है ना साईं जी रहमतुल्लाह अलैह के पास रहे हैं। 12 साल तक आपने जो मस्जिद है पुरानी मस्जिद औलिया वहाँ आपने इमामत कराई है और यतीम खाना और दरबार शरीफ का सारा काम आपकी ज़ेर निगरानी हुआ। साईं जी आपको जो है ना वकील साहब के नाम से, क्यों आप वकील थे? हमारे बिल्कुल सामने दारुल कफालतुल मदीना रज़ाकिया शरीफिया यतीम खाना मौजूद है, इसके मोहतम माला है मोहम्मद इस्लाम शरीफी रज़ाकी साहब और बाफ़ेदान नज़र है हुज़ूर क़िबला साईं मोहम्मद शरीफ वकील साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये बड़ी खूबसूरत इमारत है जिसमें यतीम बच्चे रहाइश पज़ीर भी हैं, उनके लिए रहाइश का इंतज़ाम भी किया गया और यहीं पर वो खाना वगैरह सारा कुछ दारुल शफ़क़त की तरफ से ही सारा इंतज़ाम किया जाता है। यतीम खाने की सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं बलाई मंजिल की तरफ, डबल स्टोरी ये बनाया गया यतीम खाना और बड़ा बेहतरीन निज़ाम है यहाँ पे यतीम बच्चों के लिए। सामने आपको कमरे भी नज़र आ रहे होंगे और बरामदा है। ये था हमारा आज का विजिट सील गांव में, रात को यहीं पे क्याम किया। मोहम्मद इस्लाम शरीफ साहब जो कि यहाँ पे मुख्तम माला हैं, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बंदा परवरी की और मेहमान नवाजी की। और यहाँ पे कारी साहब हैं जो कि मदरसे में पढ़ा रहे हैं, कारी अजमल साहब, उन्होंने भी बड़े ही खूबसूरत अल्फाज से भी नवाजा और बड़ी अच्छी बंदा परवरी की, मेहमान नवाजी की। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो सिस्टम चल रहा है इसको मजीद कामयाबी अता फरमाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।